Hello students, myself Dr. Rajan Sharma. Today we are going to discuss lung capacities. तो बेटा lung capacities जो होती हैं ये आपके lung volumes का combinations होती हैं. दो या दो से ज़्यादा lung volumes का combinations क्या होती हैं हमारी lung capacities. ठीक है. अब बेटा हमारे पास ये इसमें 5 sub topics आते हैं. inspiratory capacity जिसको हम IC बोलते हैं, expiratory capacity जिसको हम EC बोलते हैं, functional residual capacity जिसको हम FRC बोलते हैं, vital capacity को VC बोलते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी को हम बोलते हैं टीएलसी बोलते हैं. ठीक है. सबसे पहले बेटा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बहुत इजी लैंग्वेज में बताने जा रहा हूँ आपको. देखिए इंस्पिरेटरी का मतलब होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर जो हम इंस्पायर्ड करते हैं, मतलब कि जो आप मैक्सिमम एयर आप अंदर इंस्पायर कर सकते हो आफ्टर द टाइटल एक्सपायरेशन. मतलब जैसे आपने टाइटल एक्सपायरेशन किया बेटा, ठीक है, टाइटल एक्सपायरेशन करने के बाद अब मैक्सिमम कितनी एयर क्या कर सकते हैं, इंस्पायर्ड कर सकते हैं. अब देखिए मैक्सिमम कितनी कर सकते हैं, सबसे पहले तो बेसिक जो नॉर्मल हम करते हैं वो कितनी करते हैं, टाइटल वॉल्यूम. टाइटल वॉल्यूम कितना आता है 500. अब 500 के ऊपर हम जितनी एक्सेस कर सकते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का सम क्या होता है, टाइटल वॉल्यूम पर प्लस इंस्पिरेटरी IRV. तो ये बेटा इसका सम क्या आ जाएगा आपके पास, 500 प्लस 3000, ये कितना 3500 ml आपके पास इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है कि इतनी एयर आप क्या कर सकते हो, इंस्पायर्ड कर सकते हो आफ्टर द नॉर्मल एक्सपायरेशन. चलिए अब नेक्स्ट क्या आता है बेटा, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी. बेटा कितनी अमाउंट ऑफ एयर आप एक्सपायर्ड कर सकते हो आफ्टर द टाइटल इंस्पायरेशन, मतलब कि आपने एक नॉर्मल इंस्पायरेशन किया उसके बाद आप कितनी एयर आप एक्सपायर्ड कर सकते हो. एक तो टाइटल वॉल्यूम करोगे एक्सपायर्ड, ठीक है, जो टाइटल वॉल्यूम नॉर्मल हमारा एक्सपायर्ड करते 500 और साथ में आप ERV करेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल एक्सेस, ये 1600 ml आप क्या कर सकते हैं मैक्सिमम आप वॉल्यूम क्या कर सकते हैं, एक्सपायर्ड कर सकते हैं. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा हमारा, नेक्स्ट इज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी. अब ये इसका फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, कितनी एयर आपके लंग्स में रह जाती है, कितनी एयर आपके लंग्स में रह जाती है आफ्टर द नॉर्मल टाइटल एक्सपायरेशन. मतलब जब आप टाइटल एक्सपायरेशन करते हैं, सिंपल टाइटल एक्सपायरेशन में हमारे पास देखिए टाइटल एक्सपायरेशन में तो आपको तो 500 वॉल्यूम आपका एयर का बाहर आता है, तो उसके बाद आपके लंग्स में कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर रह जाती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी. और फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में क्या आएगा, एक तो ERV रह जाएगा, साथ में आपके पास आ जाएगा रेजिडुअल वॉल्यूम आ जाएगा. ERV का मतलब होता है बेटा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ERV का मतलब होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, साथ में रेजिडुअल वॉल्यूम रह जाएगा. ये आपका टोटल कितना आ जाएगा 2300 ml. ठीक है. अब नेक्स्ट आता है सिग्निफिकेंस ऑफ FRC. ठीक है. अब बेटा ये बेसिकली जो FRC होता है जो हमारे एयर में रह जाती है हमारे लंग्स में, ये बेटा आपके लंग को कोलैप्स करने से बचाती है और जो भी टॉक्सिक होती है ना गैसें उसको डाइल्यूट करती है, ब्रीदिंग को पॉसिबल करवाती है. ठीक है. मसल फाइबर्स को हेल्प करने में हेल्प करती है, मतलब मसल फाइबर प्रॉपर रिलैक्स या कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है. अब बेटा बेसिकली ओल्ड एज में ये कुछ इसका इफेक्ट आ जाता है जिसकी वजह से लंग डिजीज का हमारे पास ओल्ड एज में काफ़ी चांस रहता है. इसके बाद है वाइटल कैपेसिटी. वाइटल कैपेसिटी का मतलब होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर एक्सपेल्ड आफ्टर द डीपेस्ट पॉसिबल इंस्पायरेशन, मतलब आपने बहुत डीपली इंस्पायर किया उसके बाद आप कितनी एयर क्या कर सकते हैं, एक्सपेल कर सकते हैं, उसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी. वाइटल कैपेसिटी का मतलब टाइटल वॉल्यूम आ गया पहले आपका, टाइटल वॉल्यूम के बाद आपने क्या किया, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम किया. इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, आपने 3000 और ली एयर एक्सेस ली, उसके बाद आपके पास एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम रह जाता है, वो कितना आता है 1100. तो कितनी कैपेसिटी है एक्सपेल्ड करने की, इंस्पायरेशन को आपने पूरी तरह इंस्पायर किया पहले, फिर आप कितना एक्सपायर कितना वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर एक्सपेल कर सकते हो एक साथ. ठीक है. तो वो कितना आएगा, टाइटल वॉल्यूम आपका 500 आ जाएगा, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 3 आपका 3000, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1100. तो टोटल कितना बैठेगा आपका 4600 आप वॉल्यूम क्या कर सकते हैं, एक्सपेल कर सकते हो आप. अच्छा, अब टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर इन द लंग आफ्टर द मैक्सिमम इंस्पायरेशन, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर होता है लंग में आफ्टर द मैक्सिमम इंस्पायरेशन. एक तो आपकी वाइटल कैपेसिटी आ जाएगी, ठीक है, और साथ में आपका क्या आ जाएगा, रेसिडुअल वॉल्यूम आ जाएगा. तो ये टोटल कितना आ जाएगा आपके पास 5800. तो ये था बेटा सारा आपका बेसिक अबाउट द ऑल द लंग कैपेसिटीज़. होपफुली आपको टॉपिक अंडरस्टूड हुआ होगा. कोई भी कमेंट हो तो प्लीज़ मैसेज मी. थैंक यू.